गाइस, मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हमेशा आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊं। और आज हमारा फैमिली मीटअप डे है, तो मैंने सोचा कि चलें मैं आज आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। फैमिली के सभी मेंबर से आज मैं आपको नहीं मिलवाऊंगी। आज का जो पार्ट वन है, इसमें मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी सिबलिंग्स के साथ और बताऊंगी मेरे कितने बहन भाई हैं। और अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप लोग ट्रिपलेट्स हैं, आप लोग दोनों बहनें जो है वो जुड़वाएं, कोई टीम देखे तो कहता ट्रिपलेट्स हैं। तो आज मैं आपको दोनों बहनें दिखाने वाली हूँ और ये भी बताऊंगी साथ में कि कौन मुझसे कितना छोटा है, कितना बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझसे, तो मैं सिबलिंग्स में सबसे बड़ी हूँ, वो और बात है कि मैं छोटी लगती हूँ, हा हा हा। और मेरे बाद है मेरी राइट जो सिस्टर है, इनका नाम है मावरा मोहत्तर और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है मावरा मोहत्तर के नाम से। हाँ, तो मावरा बताओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुनहरा, आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले मेरी तरफ आए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरी सबसे छोटी बहन है जो हम दोनों से बड़ी लगती है। और हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम कोई भी पूछता है आपकी बड़ी बहन है तो आप मेरी इंसल्ट कर रही है, तारुफ करवा रही है। इसे नहीं, इसमें इंसल्ट वाली कौन सी बात है, लेकिन मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो लोग कहते हैं आपकी बड़ी बहन है, तो मैं बड़े मजे से ना छोटी बहन बन जाती हूँ और इसको मैं बड़ी बहन। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं ही छोटी लगती हूँ। वैसे बहनों में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन जितनी बड़ी ये यूट्यूबर बन चुकी है, अब तो इनकी रिस्पेक्ट करना बनता है। यानी कि अब सिर्फ इसलिए, देखिए मैं आपको क्यों कहती हूँ सोशल मीडिया फैमिली, कि आपकी वजह से बहने रिस्पेक्ट कर रही है। ऐसे ही है क्योंकि आपका माशाल्लाह से चैनल जो है वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। और मेरा भी चैनल है रिज़्मा नवाल के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को भी मावरा मोहत्तर के नाम से, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन। बस बस, इतना फॉर्मल नहीं होना, आज बस एक नॉर्मल चिटचैट डे है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का ये घर है, यहाँ पर हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। और आज किस्मत से हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। आमतौर पे होता ऐसा है कि मोस्टली हम लोग जो है ना, एक वक्त पे तीनों इकट्ठे नहीं एक जगह पर होते। बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे कि हम आप लोगों के साथ मिलें, बात करें और मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। उसकी मेन रीजन क्या है वो भी तो आप बताए ना। कभी मैं शूट पे बिजी होती हूँ, कभी जुनैरा बिजी होती है और कभी मावरा बिजी होती है, तो जिसकी वजह से हम एट अ टाइम एक जगह पर नहीं होते, नहीं मिलते। जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो ये गोल्डन मोमेंट्स होते हैं और आज वो वाले गोल्डन मोमेंट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे घर पे आज एक बर्थडे फंक्शन था और उसी सिलसिले में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया है, बहुत एंजॉय किया आज हमने, हमारी फैमिली ने। बहुत अरसे के बाद हमें टाइम मिला है साथ। एक तो कोरोना की वजह से बिल्कुल ही कह लीजिए कि आपकी जिंदगी से एंटरटेनमेंट खत्म हो चुकी है, लेकिन आज ये फंक्शन हमने घर पे ही सेलिब्रेट किया है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने, तीनों ने आज गेट टुगेदर किया और हमने सोचा कि अपनी खुशियों में आपको भी शरीक किया जाए, आप भी हमारी खुशियों का हिस्सा बने। अच्छा, मजे की बात यह, आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्थडे थी लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बलून्स नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे चीजें नजर नहीं आ रही, तो उसकी रीजन ये है कि हम लोगों ने सिर्फ अपने कुछ नेबर्स को बुलाया हुआ था और सिर्फ कुछ फैमिली मेंबर्स थे और यहाँ पे बहुत सारे बलून्स थे, यहाँ पे बहुत कुछ था, यहाँ पे केक भी कटा, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद, मेहमानों को वापस भेजने के बाद, फाइनली जब सफाई हो गई, तो उसके बाद हमें ख्याल आया कि हमें तो वीडियो बनाना था, ओ माय गॉड। और अब हम लोग ये सारी सेटिंग हटाकर यहाँ पे ऐसे बैठे हैं सुकून से। या तो जुनैरा की बात पे यकीन कीजिए या फिर हमने एसओपीस का ख्याल रखा है, इस वजह से ये सब कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्थडे किसकी थी, तो मैं आपको बताऊं कि ये है जनाब हमारी बर्थडे गर्ल। और हैप्पी बर्थडे टू मी। यस, तो हैप्पी बर्थडे टू हर और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। बर्थडे की बात हो रही है तो गिफ्ट तो पूछना बनता है कि भाई इनको क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं और आज का सबसे स्पेशल गिफ्ट क्या है। जी, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं और अब आप पूछेंगे कि गिफ्ट्स कहाँ है, तो गिफ्ट्स भी हमने खोल के सारे देख लिए हैं। गिफ्ट्स तो सभी स्पेशल, लेकिन एक स्पेशल गिफ्ट है ऐसा जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो अभी मार्केट में भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ और वही जो है गिफ्ट है वो आपके सामने यहाँ हम लोग ओपन करने वाले हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा आखिर क्या गिफ्ट है जो अभी तक मार्केट में नहीं है लेकिन मेरे तक पहुंच गया। जी हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट जो है ना, वो
चलिए बस कीजिए गिफ्ट है ये। बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसमें क्या है, इसके बॉक्स को देख के उनको अंदाजा हो गया होगा कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये गिफ्ट क्या है और इसके बॉक्स में आपको क्या लगता है क्या होगा। लेकिन आपको फाइनल जुनैरा बताती है। तो जनाब ये आईफोन 12 प्रो मैक्स है जो कि रिज़्मा को मिला है गिफ्ट हमारी फैमिली की तरफ से, और इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो आज हम आप लोगों के सामने करने वाले हैं और मैं साथ आपको बताऊंगी कि मुझे ये कैसा लगा। लेकिन एक बात जो आपसे बहुत इम्पोर्टेंट है शेयर करना, सितंबर में मेरी बर्थडे थी और नवंबर में रिज़्मा की बर्थडे है, तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मुझे भी घर वालों ने ये कहा था कि हम तुम्हारे लिए 12 प्रो मैक्स लेने वाले हैं, लेकिन मुझे पसंद था सैमसंग तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नोट 20 अल्ट्रा चाहिए। अब नोट 20 अल्ट्रा लूं या मैं ये वाला फोन लूं, इन दोनों के चक्कर में वुड यू बिलीव कि मैंने इतने महीने गुजार दिए और अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि मुझे कौन सा फोन लेना है। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया और मैंने ले भी लिया, रिज़्मा ने डिसाइड कर लिया और रिज़्मा को ये फोन मिल गया। और आज मेरी इस मामले में थोड़ी सी लॉटरी ये लगने वाली है कि मैं इसको एटलीस्ट देख लूंगी तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे नोट 20 अल्ट्रा लेना है या और इसका रिजल्ट कैसा है। हाँ, कैसा अच्छा है। एक और बात, हम तीनों बहनें सैमसंग यूजर हैं और जो मेरी ये वाली बहन है ना मागरा, इसने शुरू से मुझे लगाया था, सबसे पहले इसने मुझे कहा था कि आपने ये वाला फोन यूज करना है, मतलब सैमसंग यूज करना है, सैमसंग यूजर मुझे इसने बनाया था। उसके बाद इसने भी सैमसंग ले लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी एस सीरीज आई वो सारी लेना शुरू कर दी। नहीं लेकिन मैं इससे पहले आईफोन यूजर थी। हाँ रिज़्मा थी, रिज़्मा का एक फोन अनफॉर्चुनेटली हमारी एक काम वाली चोरी करके भाग गई थी। उसके बाद फिर रिज़्मा ने दोबारा सैमसंग ले लिया और मेरे पास शुरू से ही सैमसंग है। मैं अभी भी आप देखें तो मेरे पास ये S9 प्लस है, फिर एक S10 प्लस भी हमारे पास घर में मौजूद है। लेकिन ये लेकिन इनको बताइए ना कि हमारा भाई जो है वो आईफोन यूजर है, हमारा भाई आईफोन यूजर है। और अभी मैं आपको अपने भाई से भी मेरे भाई को छोड़े ये खोले, मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, इन्होंने मुझे तक नहीं ये बॉक्स खोलने दिया। हमने इसलिए नहीं खोले दिया कि आप सोशल मीडिया फैमिली हैं तो आपके आपके साथ हर चीज शेयर करनी चाहिए ऑब्वियसली। तो रिज़्मा की बर्थडे है तो ये रिज़्मा को ही खोलना चाहिए, मैं ऐसे बीच में बड़ी नहीं नहीं कोई बात नहीं आप नहीं नहीं आप खोलो। कंपनी का एक दावा ये भी है कि 12 मैक्स प्रो के अंदर वाइड एंगल कैमरा लगा हुआ है और इसके अंदर एक सेंसर भी दिया गया है ताकि अगर आप कम लाइट में यानी कम रोशनी में तस्वीर बनाते हैं, चाहे अंधेरा हो चाहे वीडियो हो चाहे पिक्चर हो, तो वो बहुत ही क्लियर आएगी। हत्ता कि अगर आपने नाइट मोड सेल्फीज भी खींचनी है तो आप बिना फ्लैश के उसको खींच सकते हैं और एप्पल का जो रिजल्ट है वो इंतहाई क्लियर होगा। और इसके अलावा भी एप्पल ने अपने नए जितने भी फोन्स इस दफा मुतारिफ करवाए हैं उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर होता है, लेकिन इस बार एप्पल ने जो एक काम बड़ा ही खराब किया वो ये है कि फोन का जब आप डिब्बा खोलते हैं तो इसमें ना तो आपको चार्जर मिलता है और ना ही आपको हेडफोन्स मिलते हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एप्पल हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। दरअसल आईफोन का ये कहना है कि उन्होंने सेफ एनवायरनमेंट के लिए ये सब कुछ किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि असल में आईफोन चाहता है कि वो और ज़्यादा पैसे कमाए, इसीलिए उन्होंने ये एक्सेसरीज अलग से बेचने का और अलग से बिजनेस करने का फैसला किया है, जो कि हर बेवकूफ़ की समझ में भी आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईफोन ये कहता है कि इसके अंदर 68 रेटेड हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये 6 मीटर तक पानी में 30 मिनट बगैर किसी नुकसान के रह सकता है, यानी कि ये इतना जबरदस्त फोन है कि आप 6 मीटर तक पानी की गहराई में चले जाएं उसके बावजूद भी इसमें पानी नहीं जाएगा और ये खराब नहीं होगा। अगर हम फोन की बॉडी की बात करें तो इसमें सेरेमिक शील्ड का इस्तेमाल किया गया है जो इस मोबाइल फोन की स्क्रीन को ना सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि हाथ में अगर आप इसे पकड़ के रखें और अचानक से ये गिर जाए तो ये उसको खराब होने से भी महफूज रखता है। हाँ इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, वहां पर इसमें एक और खूबी ये भी है कि मोबाइल फोन्स को एप्पल ने 5G टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया है जनाब, और वो ये कहते हैं कि अब ये मोबाइल फोन्स 5G इंटरनेट सर्विस चलाने के काबिल भी होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमराज की तो इसमें HDR खसूसियत की तस्वीर खींची जा सकती है, मतलब HDR इन्होंने फ्रंट कैम्स में भी दिया हुआ है। ये iPhone 12 Max Pro जो मेरे हाथ में है ये 256 GB का है
और इसमें 128 भी आता है, 512 भी आता है, लेकिन हमने जो ये लिया है जनाब ये है 256 GB का। आईफोन का एक और दावा ये भी है कि चाहे आप आईफोन मिनी खरीदें या मैक्स प्रो खरीदें, इसके अंदर आज तक का एप्पल का सबसे बेस्ट सबसे बेहतरीन प्रोसेसर लगा हुआ है और इस प्रोसेसर को इन्होंने कहा है जनाब प्रोसेसर A14, जो कि इनका ये दावा है कि अब तक का सबसे बेस्ट जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर लगाया गया है। वाओ, ये इतना जबरदस्त फोन है रिज्मा का और वाकई एप्पल एप्पल ही है। और एप्पल में पहले ये कलर भी नहीं आया, मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कलर, इसीलिए मैंने इसी को सिलेक्ट किया क्योंकि इससे पहले गोल्डन सिल्वर ब्लैक को मैं यूज कर चुकी थी, लेकिन ये वाहिद वो कलर है जो अभी फर्स्ट टाइम आया और वही मैंने परचेज किया। और इसकी बैक पे 3 कैमरास दिखाई दे रहे हैं ना, 3 कैमराज है, थोड़े इम्बोस है, यानी आमतौर पे जो एप्पल के कैमराज होते हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं लेकिन ये थोड़े उभरे हुए इम्बोस है और बहुत ही जबरदस्त है। क्या बात है, कैसी लग रही हूँ मैं एप्पल के साथ। और इसकी एक अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं कि एप्पल जो है इसकी जितनी भी स्क्रीन्स आज तक आई हैं वो 5 inches के बीच बीच में, यानी 5.9 5. something तक थी, लेकिन ये वाली जो है 6.7, ओ माय गॉड, तो ये 6 inches का मोबाइल है और काफी बड़ा मोबाइल है, समझ लें कि जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना छितर, पूरा छितर। और जुनैरा ये वेटलेस है या थोड़ा सा वेट, मुझे इसका वेट लग रहा है क्योंकि ये जो स्टील है भारी भरकम स्टील लगाया ना उन्होंने, कहा कि बिल्कुल, तो ये काफी अच्छा क्लास है मोबाइल की क्लास, लेकिन चीज पता चल रहा है हाथ में पकड़े हुए कि वो चीज है, इतना एक्सपेंसिव है, वो दिखने में भी पता चल रहा है कि वाकई में इतना एक्सपेंसिव होना भी चाहिए क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा फंक्शंस है। और मेन चीज होती है कैमरे के रिजल्ट की, तो रिजल्ट इसका बहुत, ये मोबाइल जो है इस वक्त हम लोग पाकिस्तान लाहौर में है, ये मोबाइल दुबई से आया है और एप्पल की जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं उसमें 5119 दिरहम में इसकी प्राइस है दुबई के अंदर 256 GB की, और अगर आप लेते हैं 128 GB की तो वो तकरीबन 4500 के लगभग दिरहम में आपको मिलेगी। अगर आप 512 GB लेंगे तो आपको फिर मिलेगा 6000 दिरहम का, और ब्लैक पे भी पाकिस्तान में मिल रहा है, प्राइसेस काफी हाई है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा तकरीबन पाकिस्तान में नहीं, आउट ऑफ कंट्रीज में भी ये भी ब्लैक पे ही मिल रहा है, मार्केट्स में अभी नहीं है, लेकिन मैंने ब्लैक पे एक्स्ट्रा पे करके आप लोगों की वजह से ये मोबाइल लिया है, तो आप तो एटलीस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जी इसने नहीं लिया, घर वालों ने सबने मिलकर इसे गिफ्ट दिया है, तो ये कह रही है कि मैंने लिया है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें लेकिन ये झूठ नहीं चलेगा। हाँ, और आई बात है ना, आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा आज का ये मीटअप भी मेरी फैमिली के साथ और आज का ये गिफ्ट भी, आज का ये गिफ्ट भी ऑब्वियसली, और मुझे आपसे भी गिफ्ट चाहिए क्योंकि मैं गिफ्ट माफ नहीं करती हूँ, मेरा गिफ्ट यही है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, जुनैरा माहम चैनल को, मावरा मुअत्तर चैनल को और रिजमान नवाल चैनल को, तीनों का आपको नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, आप जाइए और जाके हमें फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फैन पेज पे आइए, फेसबुक पे आइए, टिकटॉक पे, हाँ टिकटॉक पे रिजमा को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं अभी वहां पर इतनी एक्टिव नहीं, मैं भी टिकटॉक पे इतनी एक्टिव नहीं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं काफी अरसे से ना टिकटॉक से थोड़ी सी गायब हो गई थी क्योंकि मेरे पहले वाले फोन का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब आईफोन से मेरे वीडियोज बनने वाले हैं, तो जरूर टिकटॉक पे भी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।